सो गाइस जस्ट अभी हम हॉस्टल में आए और हॉस्टल में भाई हमें मिला एक सांप, देख लो भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारी क्लास थी 10 बजे से। और अभी मैं कहाँ हूँ? अपने ब्लैंकेट में। क्यों भाई? क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी मेरे को ख़राब लग रही है, सर दर्द हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो गया मुझे। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मेरे पास है डबल ब्लैंकेट, मतलब सर्दी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, बट फिर भी मेरे को सर्दी लग रही है रात को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नीचे से सर्दी लग रही है क्योंकि बेड है, लो फ्लोर बेड है, तो नीचे से ठंड लग रही है। कहाँ से लग रही है कुछ पता नहीं चल रहा। इसका भी देखेंगे कि क्या रीज़न है। बट अभी फ़िलहाल क्लास जाना है आज, क्योंकि आज हमारा रिव्यू भी है। रिव्यू तो नहीं है बट आज हमें पूरा काम दिखाना है। अभी तक जो भी हमने पूरे सेमेस्टर में किया है ना, सारा काम दिखाना है। तो लेट होने से पहले फटाफट रेडी होते हैं, निकलते हैं कॉलेज। तो गाइस ये देख लो, मैं तो अभी उठा भी नहीं और अंकुश जस्ट अभी उठ के वॉशरूम में गया और ये बेचारी तैयार होकर आ गई है। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, ये भी हमारी वजह से लेट हो जाती है और ये इससे ज़्यादा लेट हो। मैं चलता हूँ फटाफट वॉशरूम। सो गाइस नहा धो के ऑल सेट रेडी और चल दिया भाई अपने कॉलेज के लिए। झूठ बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल नहीं नहाया। तुम्हारे से सारी चीज़ें सच बता देता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं नहाया भाई, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 10 बजे की क्लास थी और 10:30 ऑलरेडी हो चुके, तो अभी नहाते तो बहुत लेट हो जाते। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी क्लास में। देख रहे हो कितना शोर मच रहा है भाई, बच्चे पढ़ने नहीं देते भाई। मेरे जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा जो जीवन में जाके नासा पे जाएगा और वो जाएगा पता नहीं मार्स पे जाएगा, अल्फा सेंचुरी नाम का एक प्लेनेट है उसको ढूंढेगा, इतना पढ़ना चाहता हूँ। मगर ये बच्चों की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पीछे इतना शोर इतना वो चल रहा है। और अभी हमारी प्रेजेंटेशन हुई है, मैम ने बहुत डांटा भाई मेरे को। और मेरे होटों पर जो चिप्स लगी हुई है इसको इग्नोर कर दो और बहुत शोर आ रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। इस फाइनली हो गया हमारा लंच और हम खा रहे हैं राजमा चावल एंड ये किस चीज़ की सब्जी है भाई? आलू मेथी की सब्जी है और मेथी के पराठे हैं। जो सब्जी में मेथी बच गई उसके पराठे बन गए, या जो पराठे में मेथी बच गई उसकी सब्जी बनी, जो भी हुआ है। तो लंच करते हैं, लंच के बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। लो जी अभी हमारी चोरी की रोटियां भी आ गई हैं। चोरी का नहीं बताते, चोरी की रोटियां सब बताना होता है भैया। आई एम वेरी लॉयल टू माई सब्सक्राइबर्स, किसी को नहीं पता लगता भाई, सब देखते तेरी वीडियोस पागल। सो गाइस लंच कर लिया है, अब हम आ गए हैं वापस क्लास में। बस 1 घंटा क्लास है, उसके बाद सीधा जाएंगे हॉस्टल। पढ़ाई कर ली। सो गाइस अपनी क्लास हो गई है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल। जी हम कहाँ थे? कैसी रही आपकी आज की क्लास? आज का क्लास पूरा टाइम वेस्ट हुआ है। मैं मेरा गोल से भाई, मेरा व्लॉग ना चेतना मैम देखते, दोबारा से बोल दो ठीक है। सो गाइस हमारी क्लासेस हो गई है कंप्लीट और अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल। जाके भाई जिम भी जाना है, एडिटिंग भी करनी है, अभी बहुत सारे काम है। और भाई हमेशा की तरह ही देख लो भाई, हमारा पथ यात्रा हमारी चली हुई है। जैसे राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा पे चला हुआ है, हम कॉलेज छोड़ो यात्रा पे चले हुए हैं। तो राहुल गांधी के फैंस कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब सारी चीज़ कर दें भाई। और मोदी के फ़ैन भी कर दें, बिकॉज एवरीबॉडी नोज कि आलू से सोना नहीं बनता। चलो जी ये अपना बस स्टॉप, जहाँ पे हम डेली बस का वेट करते हैं। पता नहीं कितना सारा टाइम आपने अपना यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी बातें सुन लेगा और सब इसके पीछे बैठे हुए क्या तुम लोग हैं? तेरी बात बता रहा हूँ मैं। नोडोगे ना, कैमरा कॉन्शियस हूँ। स्लगर से पिटोगे, स्लगर से नोडोगे ना, स्लगर से पिटेगा, ठीक है? पता समझ, सबको समझा रहा है। जस्ट अभी हम हॉस्टल में आए और हॉस्टल में भाई हमें मिला एक सांप, देख लो भाई। सो गाइस देख रहे हो हम रहते हैं अमेजोन फॉरेस्ट में, जहाँ पे खतरनाक से खतरनाक क्रिएचर्स आ जाते हैं। हमारे रूम में भूत तो रहता ही, आज सांप और देख लिया भाई। तो अब हमारी ज़िंदगी में या तो बहुत ज़्यादा डराने वाला है या कुछ भी हो सकता है। चलो जी वापस आ गए अपने रूम पे और अभी भाई थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, चेंज वेंज करते हैं। और आज जिम भी जाना है क्योंकि कल भी जिम गया था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा रेगुलर हो जाए, वरना तुम कहोगे भाई एक दिन जाते हो फिर नेक्स्ट दिन जाते हो ना, सीन क्या है भाई तुम्हारा? कुछ नहीं है भाई, डेली जिम जाएंगे। बट अभी प्रखर भाई आ जाए, अंकुश आ जाए, वो कुछ सामान वगैरह लेने गए हैं, जैसे आएंगे फिर जिम भी चलेंगे। बट इतने मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, प्लस अपना ब्लॉग वगैरह थोड़ा एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइस एक दिक्कत हो गई है, मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मोबाइल से अपने सिस्टम में डेटा ही नहीं भेज पा रहा हूँ। अब लैपटॉप में अगर डेटा नहीं भेज पाऊँगा तो भाई एडिटिंग कैसे होगी? और भाई जिम का टाइम भी हो गया, 7 बज गए। तो अभी फटाफट जाते हैं जिम, आधा घंटा जिम करके आते हैं और फिर बैठते हैं, दोबारा देखते हैं क्या तरीका है। कोई और तरीका निकालना पड़ेगा डेटा भेजने का, क्योंकि भाई सब चीज़ करके देख ली, फ़ोन स्विच ऑफ करके देख लिया, लैपटॉप रीस्टार्ट कर लिया, बट डेटा ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। तो जिम जाते हैं, फिर आके करते हैं, निकालते हैं कोई इलाज। जिम कर लिए और अभी सीधा जाते हैं नेस्कैफे, कुछ खा पी लेते हैं भाई, बहुत देर होगी कुछ खाए हुए। सो गाइस नेस्कैफे गए थे, वहाँ कुछ समझ ही नहीं आया भाई क्या लें, फिर देखा भाई 15 मिनट में डिनर भी स्टार्ट होने वाला है, तो हमने सोचा भाई डिनर ही करते हैं, डायरेक्ट नेस्कैफे रहने देते हैं। और अभी भाई मैं रूम पे आ चुका हूँ, अंकुश सो रहा है, 15 मिनट बाद जैसे ही अपने डिनर का टाइम होगा फिर चलते हैं। तो गाइस हमारे यहाँ 9 बजे तक खाना होता है और भाई हमें लगी हुई है भूख, और अंकुश भाई उठ ही नहीं रहा है, इतनी देर हो गई। भाई उठ जा यार, ओए लंजू उठ जा, उठ जा, शाबाश उठ जा बेटा, खड़ा खड़ा खड़ा, खाना खाने चलेंगे, उठ जा, उठ जा बेटे, क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहा है, हैं? करता मैं ऐसे करता हूँ भाई, लड़कियों को पैर नहीं लगाते पहली चीज़, पहली बार गलती से हो गई, दूसरी यार युवा को तो बहुत सताता है यार, कंटेंट दे रहा है, ये कंटेंट बना रही है, सिंपल सी बात खत्म हो गया। तो गाइस ये बच्ची देखो कितनी प्यारी, इसको सब मारते हैं, इसको अरे ऑयल होता है, ये देखो इसको सब मारते हैं, इसको सब सताते हैं, इसकी कोई कदर नहीं करता है। नहीं गाना है थप्पड़ आएगी, देखो भाई खाना खाओ बस, फोन भी गिर गया भाई, बेचारी बहुत बेचारी भाई, इसका क्या हो गया, 1 महीने तो हुआ है भाई, ये बेबस है, ये अवला है, सब कुछ ये बेबस और अवला का मतलब मेरे को नहीं पता, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। अभी आप खाना खाने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहे, चलो ठीक है, बाय बाय, खा के आ। सो फाइनली गाइस अब हम जा रहे हैं डिनर करने मेस में, और बहुत लेट हो चुके हैं, देखते हैं क्या बचा है क्या नहीं बचा। दिस इज़ राजमा, दिस इज़ आलू की सब्जी, दिस इज़ चावल, दिस इज़ खाली प्लेट, दिस इज़ खाली इंसान विदाउट माइंडलेस माइंड। कैसे हो? देख लिया, माइंडलेस बातें कर ली। दिस इज़ पूरी, दिस इज़ बॉय, दैट इज़ गर्ल, दीज आर 2 गर्ल्स, दीज आर 3 गर्ल्स, सो दिस इज़ खाली प्लेट है। सो गाइज आज मेरे को अपनी बहुत बड़ी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, इस रास्ते से ना युवा डेली अकेले आती है हमारे रूम पे जब भी इसको आना हो ना, और आज मुझे रियलाइज़ हुआ है भाई इसको अकेले नहीं आना चाहिए, सुनसान रास्ता है, मुझे अपनी गलती का एहसास होता है, तो मैं क्या लगता है मैं ऐसा बोलूँगा, नहीं भाई इसको हमेशा अकेले ही आना चाहिए इस रास्ते से। सो गाइज डिनर कर लिया हमने और अभी मैं जा रहा हूँ भाई, मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रहा अपना, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा भाई, मोबाइल से सिस्टम में जा ही नहीं रहा कुछ भी, मेरा हो रहा दिमाग ख़राब, तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ ब्लॉग डाटा वाटा भेज के ब्लॉग एडिट करने की, और फिर उसके बाद नेस्कैफे जाएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, तुम्हें पिलाएंगे, ठीक है, रेडी रहना, चलो। सो गाइस ब्लॉग एडिट करने में तो लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम, मैंने सोचा था नेस्कैफे जाऊँगा ब्लॉग एडिट करके, बट उससे पहले मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लग गई है भूख, और अंकुश को भाई वो आ गए हैं मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, इसके लिए इंजेक्शन लेके आने बाहर से जाके, फटाफट मैं डॉक्टर से इंजेक्शन लेके आता हूँ भैंस के, क्योंकि भैंस के इंजेक्शन ही एकमात्र इलाज है अंकुश का, बेन स्टोक्स का दीवाना हो गया है। तो भाई एक बार नेस्कैफे जाते हैं, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी लेके आते हैं, आज तो पूरी रात एडिटिंग में चली जाएगी भाई, ये डेटा ट्रांसफ़र ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि हम अपने सिस्टम को बोलें कि आप इधर डेटा इसमें भेज दो तो भेज दे, अभी भी भाई वायर वाला सिस्टम चलाओ भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा सही में। नहीं नहीं मैंने पूछ भाई, नासा वाले ना ऐसे बेफालतू में वो ढूंढ रहे हैं एलियंस वेलियंस, अगर एलियंस ढूंढने हैं ना तो भाई किसी भी कॉलेज के हॉस्टल में जाओ और वहाँ जाके देख लो, स्टूडेंट जगे रहते हैं 2-2, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक जगे रहते भाई पूरी रात, ये एलियन है भाई, नासा वालों यहाँ रिसर्च करो, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। लो जी यहाँ पे पूरी रात जगे रहो, नेस्कैफे आते रहो, कॉफ़ी पियो, चाय पियो, मोमोज खाओ, मैगी खाओ, ये तो ज़िंदगी का लक्ष्य है हमारी का, इसीलिए भेजा हमारे माँ बाप ने, हमें गर्व होना चाहिए उन्हें हमारे ऊपर। तो लो जी अपनी कॉफ़ी आ गई है और अभी कॉफ़ी लेके बैठते हैं भाई वापस से अपनी एडिटिंग पे। तो यार मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई पूरे अर्थ पे अगर पेड़ उगा दिए जाएं, पूरी धरती पे अगर पेड़ उगा दिए जाएं तो क्या धरती का वेट बढ़ेगा? किसी ने भाई रिप्लाई नहीं किया, एक भी समझदार इंसान लोग नहीं देखता कि भाई मेरे सब मेरी तरह हुए हैं क्या, मोटी बुद्धि वाले। तो भाई अगर किसी को आंसर पता हो या किसी को आंसर तो क्या है, कॉन्सेप्ट है कि मतलब क्या तुम सोचते हो इस बारे में बता देना। और प्लस देश में क्या चल रहा है, देश में भाई गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं और वो श्रद्धा वाला कांड हो गया है जो कि बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। एंड वो जो बंदा है आफ्ताब करके जिसके ऊपर पूरा है, मतलब जिसने सारा कांड किया है, उसको भाई मारने की ट्राई करिए, वो सही किया गलत किया वही गलत चीज़ है। बाकी भाई फिर व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ कर देना, अगर व्लॉग पसंद नहीं आया फिर भी कर देना भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है, ठीक है। ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। लव यू और बाय, टाटा।